नमस्कार दोस्तों, मैं तो पावन न्यूज में आपनो स्वागत छे। ये तो देश ने दुनिया ना अनंतन समाचार माटे जोता रहो पावन न्यूज। मित्रों, आज बात करवानी छे पीएम किसान सम्मान निधि ना माध्यम थी खेडूतो सुधी। अत्यार सुधी में आ योजना द्वारा 11 करोड़ खेडूतो सुधी 1,35,000 करोड़ रुपया पहुंची गया छे। तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आ वीडियो में कहेवामां आवेल छे, जे आप जोई शको छो। अने वीडियो पूरो जोयो जोया पछी एक सवाल आपने करवामां आवशे, ए सवालनो जवाब आप अमने कमेंट बॉक्स में आपी शको छो। तथा आ वीडियो पसंद आवे तो शेर करो, लाइक करो अने तमारा मित्रों साथे व्हाट्सएप पर शेर करो। चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करो अने पावन न्यूज जोता रहो। वीडियो पूरो जुओ, लास्ट में एक सवाल करवामां आवशे तमने, जेनो जवाब अमारा कमेंट बॉक्स में आपवा तमने विनंती छे। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। आज के कठिन समय में ये राशि इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं, मतलब कि 1,25,000 करोड़ से भी ज्यादा सीधे किसानों के खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। जरूरत के समय देशवासियों तक सीधी मदद पहुंचे, तेजी से पहुंचे, जिसको जरूरत है उस तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे, यही सरकार का निरंतर प्रयास है। भाइयों और बहनों, तेजी से सीधे किसानों तक लाभ पहुंचाने का यह काम उपज की सरकारी खरीद में भी बहुत व्यापक स्केल पर किया जा रहा है। कोरोना की मुश्किल चुनौतियों के बीच जहां किसानों ने कृषि और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है, वहीं सरकार भी हर साल एमएसपी पर खरीद के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले धान की और अब गेहूं की भी रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। इस वर्ष अभी तक बीते वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक गेहूं एमएसपी पर खरीदा जा चुका है। अभी तक गेहूं की खरीद का लगभग 58,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात ये कि अब किसान जो उपज मंडी में बेच रहा है, उसको अब अपने पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता। किसान के हक का पैसा सीधा उसके बैंक खाते में जमा हो रहा है। मुझे संतोष है कि पंजाब और हरियाणा के लाखों किसान पहली बार डायरेक्ट ट्रांसफर की इस सुविधा से जुड़े हैं। अभी तक पंजाब के किसानों के बैंक खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए और हरियाणा के किसानों के बैंक खाते में 9,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा हो चुके हैं।
अपना पूरा पैसा अपने बैंक खाते में पाने का संतोष क्या होता है, ये पंजाब और हरियाणा के किसान भी अनुभव भी कर रहे हैं और मुखर होकर बोल भी रहे हैं। मैं सोशल मीडिया में इतने वीडियो देखे हैं किसानों के, खास करके पंजाब के किसानों के, कि इस प्रकार से उनको पैसा पहुंच जाना और वो भी पूरा पूरा पैसा पहुंच जाना, उसका संतोष इतने उमंग के साथ वो बता रहे हैं। नमस्कार, हूँ छो प्रवीण मीडिया, आप जो रहे पावन न्यूज। वीडियो जो पी आपने घना सवालों उभा थे, यहाँ अमारो एक सवाल आपने से, शू आप भारतना खेडूत छो, अने छो तो शू प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान निधि योजना लाभ आपने मळ्यो छे, ने मळ्यो छे तो केटलो मळ्यो छे, जे आप अमारी कमेंट बॉक्स में आप अमने जवाब आपी सको छो। वधु समाचार माटे जोता रहो पावन न्यूज, अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ने लाइक करो, तमारा मित्रों साथे व्हाट्सएप पर शेर करो, ने जोता रहो पावन न्यूज़।